केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का समर्थन जुटाने में लगे अरविंद केजरीवाल को उमर अब्दुल्ला ने तगड़ा झटका दे दिया है। उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल को समर्थन देने को लेकर कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के समय ये लोग कहाँ थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बार बार इन लोगों को याद दिलाता हूँ, ये लोग जरूरत पड़ने पर हमारे दरवाजे जरूर खटखटाते हैं, लेकिन 2019 में जब 370 हटाई गई तो ये लोग किधर थे। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र की हत्या पर ये लोग चुप रहे, हमारा पूरी तरह से साथ सिर्फ TMC, DMK और लेफ्ट की पार्टियों ने दिया, इनके अलावा हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। इन सब के पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी धारा 370 का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने से इनकार कर दिया था। अध्यादेश को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, तेलंगाना के सीएम KCR, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं से मिल चुके हैं। इस दौरान इन सभी नेताओं ने अध्यादेश को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि उनकी पार्टियां राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट करेंगी, लेकिन कांग्रेस केजरीवाल का समर्थन देने के मूड में नहीं है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास है। इसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई। बीजेपी ने इसके पीछे तर्क दिया कि दिल्ली देश की राजधानी है, तो ऐसे में यह अध्यादेश जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।